हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज जो राजस्थान टैक्स असिस्टेंट का पेपर हुआ है उसका पहला पेपर कंप्लीट हो चुका है और उसका पेपर भी हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पूरे आंसर भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सो पूरे लेसन को इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, और जिन दोस्तों ने पेपर नहीं दिया है उनको भी ये वीडियो ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपकी नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए, पहले हम 50 से और 100 तक के जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में जो नेक्स्ट है ऊपर के वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले यहाँ पे देखिए, कुछ साइंस के और करंट अफेयर के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बाद में उसके बाद में जो हिंदी और जो इंग्लिश वगैरह है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए शुरू हो रहा है साइंस का 51 नंबर से। तो क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि क्रोमोसोम किससे बना होता है, तो आपको ध्यान रखना है ये डीएनए से बना होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए एक पूछा गया यहाँ पे, ब्लैंक स्पेस के द्वारा बादल बनते हैं, तो बादल किसके द्वारा बनते हैं, तो आपका आंसर होगा ये बनते हैं वाष्पीकरण के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में देखिए एक पूछा गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है, तो तिलहनी मतलब कि जो तिलहनी जो मतलब कि तेल वगैरह जिससे निकलता है, तो आपका राइट आंसर होगा सूरजमुखी। ठीक है, सूरजमुखी के बीज से तेल वगैरह निकाला जाता है। उसके बाद में देखिए एक पूछा है, टाइफाइड जो मियादी बुखार है वो किसके कारण होता है, तो आपका आंसर होगा ये होता है दोस्तों जीवाणु के कारण। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला देखिए यहाँ पे 55वां क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी विज्ञान की मूल इकाई क्या है, तो आपका आंसर होगा ये है दोस्तों जीन। ठीक है, जीन इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे देखिए पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है, किसके वजह से होती है, तो स्ट्रोमा में होती है। कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा में। अगला देखिए यहाँ पे पूछा गया उरिया पठारी, ये यहाँ पे आ गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए उरिया पठार राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो देखिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसको स्किप कर दीजिएगा, या तो या फिर इसका जो आंसर आप सिरोही लगा लीजिएगा, लेकिन एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद में देखिए एक पूछा है, टंगस्टन का उत्पादन निम्न में से कौन सी खाद्यान्न में होता है, तो बिल्कुल सिंपल सा है, डेगाना में होता है। उसके बाद में करक रेखा राजस्थान के किस भाग से होकर गुजरती है, तो आपका आंसर होगा ये दक्षिण भाग से होकर गुजरती है। फिर देखिए यहाँ पे तख्त सागर जो है वो किस जिले में स्थित है, ये पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ये कौन से जिले में स्थित है, जोधपुर में। ठीक है, ये आपका आंसर होगा 60 का, जोधपुर। उसके बाद में 61 क्वेश्चन नंबर है, जो मृत नदी है इसकी की उपमा किस नदी से की गई है, तो आपका आंसर होगा ये की गई है घग्गर नदी से। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका। उसके बाद में देखिए, मोहनौत नैन्सी किस राज्य का दीवान था, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, जोधपुर का था। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे पूछा गया है जो क्वेश्चन है, तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो देखिए ये क्वेश्चन, ये जो लड़ा गया था युद्ध, ये लड़ा गया था 1787 के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पटो की हवेली कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, ये है जैसलमेर के अंदर। ठीक है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के तेहरे ताली नृत्य में काम नहीं आता है, तो जो ये डेरू है ये नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पूछा गया है, ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक के द्वारा लाया गया था, तो ये लाया गया था राजा जो मानसिंह है उसी के द्वारा इसमें लाया गया था, और जयपुर की प्रसिद्ध मतलब की कला है ब्लू पोट्री। अगला यहाँ पे देखिए नेक्स्ट गया है, जो निम्न में से कौन सा अभ्यारण चूरू जिले में अवस्थित है, तो ये है तालचापर। ठीक है, उसके बाद में देखिए एक पूछा गया यहाँ पे कि राजस्थान में नगर निगम श्रेणी में आने वाले शहरों की जनसंख्या की सीमा क्या होनी चाहिए मिनिमम, तो ये होनी चाहिए कम से कम 1 लाख उसकी अगर जनसंख्या है, तो उसको नगर निगम में बनाने का जो है यहाँ पे मतलब कि प्रस्ताव रखा जाता है। अगला देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सी राजतरंगिणी के लेखक है, कौन राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कल्याण इसके लेखक थे राजतरंगिणी के। अगला फिर देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है, तो देखिए मीराबाई का जन्म स्थान यहाँ पे हो जाएगा आपका कुड़की, इसका राइट आंसर होगा ए वाला कुड़की। उसके बाद में देखिए एक पूछा गया, राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन RFC की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो आपका आंसर होगा ये की गई थी 1955 में, 1955 में की गई थी। ठीक है, अगला यहाँ पे देख लीजिएगा, 10/10/2018 के दिन राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन चुने गए हैं, देखिए काफ़ी लेटेस्ट अभी करंट का क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल यहाँ पे देखिए 10 तारीख का क्वेश्चन पूछा गया है, ये काफ़ी लेटेस्ट है, तो आपका राइट आंसर होगा ये चुना गया है, जिस श्री सुरेश चौधरी है इनको चुना गया है। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया है, कुबड़ पट्टी जो कि काफ़ी बार मोस्टली पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन है, तो आपका आंसर होगा ये है दोस्तों नागौर अजमेर। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा नागौर अजमेर। उसके बाद में देखिए पूछा है, तेरह ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है, तो आपका आंसर होगा ये कांवड़ जनजाति से। ठीक है, तेरह ताली। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पूछा है, जो निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, तणोट माता को कहा जाता है, तणोट माता को। ठीक है, उसके बाद में देखिए गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से, ये पूछा गया, तो मेवाड़ शैली से इनका संबंध। अगला देखिए यहाँ पे पूछा गया है, आर्टिकल जो यहाँ पे ए है 35 ए, ये किससे संबंधित है, तो इसके अंदर जो जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर है उनकी नियुक्ति की जाती है इसके तहत। ठीक है,
उसके बाद में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर 12 अप्रैल 2018 को खुले में शौच मुक्त हुआ था, घोषित हुआ था, तो माउंट आबू हो जाएगा इसका आंसर। फिर देखिए अगला प्रश्न है, स्मार्ट विलेज योजना जो है उसकी घोषणा किस बजट के दौरान की गई थी, तो ये की गई थी 2017-18 के बजट के दौरान की गई थी, ठीक है। उसके बाद में अगला देख लीजिए, यहाँ पे निम्न में से कौन सा अनुच्छेद निम्न विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है, तो ये है अनुच्छेद 163, आर्टिकल 163 जो है इससे रिलेटेड होता है, जो सीएम वगैरह के जो काम होते हैं उनसे रिलेटेड। अगला देख लीजिए, यहाँ पे लोकायुक्त संस्था है, तो यह एक संवैधानिक और न्यायिक संस्था होती है। अगला देख लीजिए, यहाँ पे अमरशाही किसका नाम है, तो देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं आपको बाद में नेक्स्ट जो पेपर होगा उसके साथ इसको इंक्लूड कर दूंगा, राइट आंसर जो भी होगा ये डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा थोड़ी देर में, या फिर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, राइस रणोपत का संबंध किससे है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, करंट अफेयर का है, हमने इसके बारे में बताया भी था कॉमन जो अभी एशियन गेम हुए थे उसमें, तो इनका संबंध किससे है, ये है निशानेबाजी से, ठीक है। 84वां क्वेश्चन का राइट आंसर होगा निशानेबाजी। उसके बाद में देख लीजिए अगला है 85 क्वेश्चन का, 18वें एशियन खेलों में भारतीय दल ने मिक्स्ड 400×400 मीटर रिले दौड़ में कौन सा पदक जीता था, तो स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद में देखिए लेटेस्ट, काफ़ी लेटेस्ट के क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे, 18वें एशियन खेलों में हेप्टाथलन इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ये थी स्वपर्णा बर्मन। देखिए ये सारे क्वेश्चन हमने एशियन खेल के जो वीडियो बनाई थी मैंने आपके लिए उसमें बना दिए थे। भारत का वर्तमान खेल मंत्री तो यहाँ पे है राज्यवर्धन सिंह राठौर। देखिए काफ़ी दोस्तों को कन्फ्यूजन हुआ होगा, यहाँ पे कर्नल लगा दिया था आगे इसलिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किस प्रशस्ति शास्त्री को 2018 के नोबल शांति पुरस्कार की विजेता का नाम घोषित किया गया है, देखिए ये कितना लेटेस्ट का क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी अभी रिसेंटली ये घोषणा की गई थी अभी इसी महीने में, तो ये चुना गया है डेनिस मुकवेजे को, इसके भी हमने पर्टिकुलर वीडियो बनाए थे आपके लिए। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पूछा गया है, कंप्यूटर के क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड के साथ कौन सा डिवाइस उपयुक्त नहीं है, तो ये जॉयस्टिक जो है इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ये गेम्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। अगला देख लीजिए, यहाँ पे विंडो का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो ये है 10, विंडो 10। देखिए यहाँ पे काफ़ी दोस्तों को ये MSOSO यहाँ पे लगाया हुआ है, लेकिन ये विंडो नहीं है, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल वाला है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ठीक है, विंडो का नहीं है ये, यहाँ पे देख लीजिएगा डी। उसके बाद में देखिए, प्रिंट करने के लिए कौन सा शॉर्ट की यूज़ किया जाता है, तो कंट्रोल पी यूज़ किया जाता है उसके लिए, सिंपल सा है। उसके बाद में देखिए एंजाइम, तो प्रोटीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद में देखिए ये पूछा गया है, कुछ यहाँ पे कथन्स वगैरह दे रखे हैं, तो इसे आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है, या फिर स्किप कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिएगा, एक विद्युत जनित्र निम्न में किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, तो ये करता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसी के आधार पर ये जो है एक प्रिंसिपल जो है इस पर कार्य करता है। अगला यहाँ पे देखिए, किस में प्रकाश मतलब किस रंग के प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है, तो सबसे कम होती है बैंगनी कलर की, और सबसे ज़्यादा कौन सी कलर की होती है, सबसे ज़्यादा होती है लाल कलर की, सबसे कम होती है बैंगनी कलर की पूछी गई यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अवतल, हम जब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमें अपना चेहरा प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसका क्या कारण है, तो ये भी आप कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए पूछा गया कि जो प्रणव व्रत है ये क्या होता है, तो ये जो है एक होता है प्रणव्रत हरी हरी व चपटी होती है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए, जीवाणु सिजेला से रोग होता है, तो ये इससे होता है जो दस्त वगैरह का होता है, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर देखिए अपना अगला प्रश्न है, जो नील हरित शैवाल को एक कोशी के प्रोटीन की तरह उपयोग किया जा सकता है, तो यहाँ पे भी इसको छोड़ दीजिएगा आप, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा इसका आंसर। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है, ब्लैंक स्पेस वयस्क देहिक कोशिका में से क्लोन किया जाने वाला सबसे पहला स्तन पाया था, तो भेड़ इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरे 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, दो चार क्वेश्चन को छोड़कर, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर में कुछ डाउट है तो आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में, और इसका सेकेंड जो यहाँ पे पार्ट है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है, जो पहले नंबर से और 50 तक के क्वेश्चन है जल्दी ही आपको मिल जाएंगे, और जो सेकंड पेपर है वो भी आपको मिल जाएगा जल्दी, कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अभी के इस लेसन में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस के आंसर समझ में आएगा, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सो और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो अभी के इस लेसन में इतना ही, और सेकंड जो इसका पार्ट है वो आपको जल्दी ही मिल जाएगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जो आगे के 1 से 50 तक के क्वेश्चन है, ठीक है, ऊपर के वो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, धन्यवाद।